सुबह के बज रहे हैं 10, हमें निकलना है थोड़ा पास के लिए। 10:30 बजे वो बंद हो जाता है एग्जैक्ट गेट। मैं लेट क्यों? आई शो यू। मैं कल से ट्राई कर रही हूँ, बस इंटरनेट की फैसिलिटीज़ नहीं थी जिसकी वजह से मेरा व्लॉग अपलेट नहीं हुआ। आपको पता है मैं ऑलरेडी शिफ्ट कर चुकी हूँ, सो कल हम नहीं जा पाए नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। वो भी आपको पता है अगर हम लास्ट लुक देखा हो क्यों नहीं जा पाए। फिलहाल निकलते हैं नथला पास में, इट्स लेट। ये होता रहेगा रास्ते में 23 मिनट। सो गाइस, हमने पिक करी है बाइक न्यू श्रीजान टूर एंड ट्रैवल से। हम हेलमेट में रेडी हैं, दैट इज एक्चुअली मी। एंड दैट इज आवर कार। हम कार को यहीं छोड़ के जा रहे हैं। गाड़ी लॉक कर दी? हाँ, गाड़ी लॉक कर दी। भाई हमारा डेट चेक कर रहे हैं वो वाले। अच्छा, वंस लग गया तो ना। हाँ हाँ, हो गया फिक्स। हाँ, फाइनली फिक्स। चलो ओके, ओके, सी यू भैया, देन शाम को मिलते हैं। आप साइकिल भी रेंट पे देते हो? सब कुछ, सब कुछ। चलो ब्लॉग कर रहे हो? हाँ चलो बता दे। कितना रेट आपकी साइकिल्स का? हाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। शाम को बताऊंगा मैं, शाम को बताओगे? ठीक है, डन। सो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं चेक पोस्ट। चेक पोस्ट का टाइम 10:30 तक का है, एंड इट्स ऑलरेडी सोवर 11:50। देखते हैं हम निकल पाते कि नहीं निकल पाते। एंड दिस इज फर्स्ट टाइम मैं मतलब ऐसे बाइक पे बैठी हुई हूँ, एंड आई एम रियली स्केर्ड अबाउट इट। ऑल दो मैंने स्कूटी चलाई है 11 साल, बट इट्स बीन लॉन्ग टाइम नाउ। मैं पीछे बैठी हूँ, बट राकेश की दिल की तमन्ना पूरी हो रही है। ही वॉज लाइक, बाइक पे जाना चाहता हूँ। आई वांट टू ड्राइव द बाइक, आई विल ड्राइव द बाइक। माय गॉड, दैट इज चेक पोस्ट, चेकिंग एरिया गाइस। यहीं पे पास चेक होंगे। सो फाइनली हमने नथला पास का पुलिस वालों ने अलाउ कर दिया। 1.5 घंटे का रास्ता है, अराउंड 1.5 घंटे के अंदर हम पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। और वह बुलेट पे जो कि हमने पिक करी है, मुझे याद नहीं कहाँ से, लेमन ट्री के सामने से पिक करी है। सो क्या श्रीजन टूर एंड ट्रैवल से पिक करी है, और अभी भी हमें हम हैंड ग्लव्स ले रहे हैं लड़के के लिए, जिस बिकेज उस बाइक चला रहा है और बहुत ठंड है। देख सो गाइस, हम रुके हैं बीच में और शूट कर लो ना गर्ल्स। ये तुम्हें सुंदर सुंदर सी लड़कियां मिली हैं। भाई तुम इतने सर्दी में कैसे काम करते हो यार? आदत अभी तो वैसे जितने ऊपर जाते जा रहे हैं उतना ही ठंड लगती जा रही है, और उतनी ही बारिश का मौसम तेज होता जा रहा है। एंड ये सारे अपने आप घूम रहे हैं वाटर से। इसका कुछ वाटर प्लान है यार यहाँ पे। मतलब यहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटी भी है। अभी हमारा रास्ता 35 किलोमीटर, मतलब 1 घंटा 15 मिनट का बचा हुआ है, और राकेश पूरा गीला हो चुका है। इसकी शक्ल देखो गाइस, चेक करो। और बाइकिंग करनी है। अरे मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। मेरा कोट वाटरप्रूफ नहीं है, ना ही हमारा ये वाला बैग। मैंने इसको कहा था मेरा घर से स्काई बैग ले ले, बट नहीं नहीं वो वाटरप्रूफ है। अरे है, अरे वो तो वो वाला है, मेरा तो वाटरप्रूफ। हमें लेट हो रही है।
हमें ज्यादा लेट हो रही है, 2 बजे बंद हो जाएगा और अभी 12:30 हो रहे हैं। हम कुछ खाने रुके थे गाइस, बेनीवाल का पेट भर गया है ना बेनीवाल, ऑलमोस्ट यार इन्होंने कितना अच्छा प्रोसीजर बनाया हुआ। आई डोंट नो ये क्यों है बट ये दीदियाँ जिनके सामने कुछ खाया ये यहीं रहती हैं, कितनी सही है यार वो क्लीननेस मेंटेन कर रही हैं यहाँ की प्रॉपर तरीके से। फाइनली नथला पास 14,144 फीट। मैं ठंडी हो चुकी हूँ, कुपड़ी जम चुकी है, गीली भी हो चुकी हूँ। देखिए मेरे से ज्यादा गर्म कपड़े, तुम्हें पता होना चाहिए मेरे कपड़े गीले होने वाले हैं, मेरे हो चुके हैं। तो मैं हूँ इंडिया चाइना के बॉर्डर पे और यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि पास बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको पता है पास कहाँ से बन सकता है, हमें कॉस्ट पड़ी पास की और बाइक की 1300 हाँ 2300 सॉरी हाँ यू आर राइट 850 का कुछ पेट्रोल डलवाया और अब पैदल हम यहाँ हैं। और सबसे बड़ी चीज़ चेकिंग होती है और आपको अगर ये 2 बजे बंद हो जाता है एग्जैक्टली और सुबह निकलना 8:30-9 बजे तो बेस्ट है, और गर्म कपड़े लेके आना, इसका ऑल्टीट्यूड बहुत हाई है और अगर बाइक पे आ रहे हो प्लस टैक्सी कॉस्ट करेगी 5,000 पर डे। चढ़ गई यार मुझे सांस सेम बंद होने वाला गाइस ये, मतलब हम इतने ऊपर आ चुके हैं कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। मैंने पूछा सूप बटर मिल्क कुछ भी नहीं है, माय गॉड। पता नहीं पक्का चल रही है ना, पता नहीं मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है, चल तो रही है वीडियो तो चल रही है, मेरी उंगली का नहीं पता गाइस। पता है गेट यहीं पर है, कितना सही था, तुम चाइना के लोग देख सकते हो आने के
गाइस यही जो है वो सामने ये सोमपो लेक है और ये रास्ते में ही पड़ती है बट वी डिडंट स्टॉप। तो क्या छानबू छानबू लेक। सो तो मैं कभी बताऊँ यार गाइस, आप लोग अगर यहाँ पर इस जगह को देख चुके हो नहीं तो यार ये खूबसूरती अलग है, मतलब मैं कैमरा में भी ये खूबसूरती कैप्चर नहीं कर सकती, ये जगह कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। चलो बाइक रोक सकते हैं वैसे तो आप यहाँ पे आके राइड भी कर सकते हैं। रोपे राइड है यहाँ पे 12,000 फीट पे। भैया कितना है आपके यहाँ के ऑफ के चार्जेस? 50 रुपीज राइड के? नहीं राइड नहीं, अच्छा बैठने के ऑटो के। और ये रोपे कहाँ पर है? रोपे तो अच्छा खुला हुआ है अभी या बंद हो चुका है? वो जा रहा है ना? अच्छा हाँ वहाँ से ऊपर जाएगा वो पहाड़ी तक। हाँ वो दिख रहा है ऊपर से फिर नीचे आएगा। अच्छा अच्छा कितने चार्जेस है कुछ पता है? एक्चुअली मैंने राइट कर ली। आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो। हाइट आज क्या करेंगे आप? कहाँ से मैम? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा मैं यही लोकली हूँ। सो गाइस दिस लेक एक्चुअली काउंटेड एज अ होली लेक एंड इसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन है इस बोर्ड पे कि द लेक इज सिचुएटेड इन द ऑल्टीट्यूड ऑफ 3,055 मीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 35 किलोमीटर फ्रॉम गंगटोक। द लेंथ ऑफ द लेक इज 1.08 किलोमीटर। जैसे ही आप लेक से नीचे की तरफ आओगे ना आपको मिनी मार्केट एरिया दिखेगा। ये सारा मिनी मार्केट एरिया है यहाँ पे मेरे पीछे और आप यहाँ जा सकते हो शॉपिंग कर सकते हो। फिलहाल हम चल रहे हैं वापस की तरफ। मुझे लगा शाम के 5 बज गए हैं क्योंकि जैसे ही हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस मतलब हम बॉर्डर क्रॉस के चाइना और इंडिया बॉर्डर पे थे सो वहाँ क्या हुआ कि टाइम ऑटोमेटिकली चेंज होके 5 हो गया एंड 3 अब बज रहे हैं इंडिया में और वहाँ पे आई गेस 6 बज रहे होंगे शाम के। एंड आई वाज लाइक ओके दिस हैपन। और राकेश को तो मैसेज तक आ गया वेलकम टू चाइना राकेश तुम चाइना पर। हम उतर चुके हैं और हमें भूख लगी है। हम इस जगह आ चुके हैं वापस अपनी और अभी एंट्री टिकट तो आई गेस लगेगी नहीं क्योंकि हम लोगों ने गार्डन एक्सप्लोर नहीं करना। आंटी ना बैठी हो बस एंड में भैया बैठे हुए। भैया पार्किंग लगवाने आने वाले नहीं। अरे भाई कितने पीछे लोगे तुम। तो ये जो शाम कितनी प्यारी लगती है गाइस। मेरे को पास्ता खाना है। So hungry, कुछ खाया। सो गाइस मैं आ गई हूँ होम स्टे में और पता है यहाँ पे पूरा लोकल और ट्रेडिशनल फूड है मेरे पास और ये तांबे की प्लेट्स हैं प्लस पता है दही भी मतलब पूरा ऐसा लग रहा है ट्रेडिशनल काइंड ऑफ उसमें अच्छा वही मैं वही उसमें ढूंढ रही थी बट इसमें दही बनाते हो। सो ये मशरूम है ये जैक फ्रूट है और ये शायद वो है हमारे यहाँ इसको राजमा बोलते हैं। थैंक यू सो मच मैं दीदी को सुबह शूट करूँगी। ठीक है मैं होमस्टे का नाम नीचे मेंशन कर रही हूँ लिंक के साथ गाइस भूलना मत देखना इनके आप पेज पे भी विजिट कर सकते हो। बाकी कल होमस्टे दिखाती हूँ पूरा। सो गाइस खाना मतलब पूरा बहुत 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 अमेजिंग और स्पेशली तो मतलब ये क्या है मतलब मशरूम के साथ क्या चीज फीन बोल रहे हैं। चौमिन का मैगी का टेस्ट दे रही है बहुत यम्मी है। ओ अचार करते हैं अचार तो ट्रेडिशनल है आपका यहाँ का? मैंने बहुत मैंने खाया होम स्टे में तो है ही यम्मी है।